पैकिंग पे आ तो गए, पर इसके पीछे की स्टोरी तो बता। बहुत लंबी कहानी है। इस बारी जितने अत्याचार हुए ना मेरे को इस बर्थडे पे, उससे पहले कभी नहीं हुए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ट्विस्ट एंड टर्न के साथ। पर लास्ट में आपको एक बहुत हैप्पी एंडिंग दिखेगी। तो देखते हैं कि इस बारी किड्स बर्थडे जीतती है या टीनेजर। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, 50,000 लाइक से ऊपर होना चाहिए और ये हो जाएगा मेरा बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि मेरा बर्थडे 12 जून को आने वाला है। और चलो अब आप ये वीडियो एंजॉय करो, ये बहुत मजेदार वीडियो है। उनको तो पता चला जाएगा, पर मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है, पहले मुझे तो बता दे। अरे दोनों को साथ में बता रही हूँ। हुआ यूं, हमारे बर्थडे के पहले वाले रात घड़ी देखने से आपका सपनों का राजा नहीं आ जाएगा दीदी, लेकिन बर्थडे तो आएगा ना। अभी देखना 12 बजते ना दरवाजा खुलेगा, पापा मम्मी चाचा वो सब आएंगे और बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। दीदी चुप रहो, मैं 15 साल की हो गई हूँ, आप 17 साल की हो गई हो, ग्रो अप। मेरे को क्या लगता है आपका सिर्फ शरीर बड़ा हुआ है, दिमाग आपका भी घुटनों पे है। कोई नहीं आने वाला आपको और मेरे को 12 बजे विश करने। आएंगे मेरे मम्मी पापा, आएंगे मेरा बर्थडे मनाएंगे। 3, 2, 1। आया नहीं कोई? मैंने कहा था ना कोई नहीं आने वाला। हैप्पी बर्थडे टू यू और हैप्पी बर्थडे टू मी। अब सो जाते हैं। नहीं नहीं मुझे लगता है उनकी घड़ी बंद हो गई होगी, लेट हो गए होंगे। चलो चल के देखते हैं, आ जा। नहीं 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 चलो आते हो। क्या बचपना है। देखा आप, हम यहाँ पे 12 बजे पैदा भी हो गए और हमारे माँ बाप सो रहे हैं। ये सो रहे होंगे लेकिन वो जाग गए होंगे। अरे कोई नहीं जगना यार, आप चलो। इनको 5 मिनट पहले कहाँ कौन सी चीज रखी थी वो याद नहीं रहता, इनको हमारा बर्थडे घंटा याद रहेगा। चलो मैं तो छत पे जा रही हूँ, आज सारी बर्थडे विशेस की कॉल आने वाली है। मैं भी आ रही हूँ। यार मेरे तो पूरे डीएम्स भर गए, देख 20 डीएम आ गए हैं 10 मिनट में। मुझे तो कोई विश नहीं कर रहा। वीडियो कॉल आ रहा है। हाय, हैप्पी बर्थडे, तुमने देखा? तुम देखने लायक नहीं हो। मतलब? अब मतलब तुम मिलने लायक हो पगले। स्टोरी देखी? अब देखती हूँ। इसमें मैं कहाँ हूँ? अरे वो जो ग्रुप में सर्कल में लड़की है ना, वो तुम ही तो हो। अबे वरुण, मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट से स्क्रीनशॉट करके डाल देता। ये ख्याल तो मेरे को आया ही नहीं। हाँ तो तुम क्यों मतलब चुलबाज हो, सबके बर्थडे में तुम्हें तो सबसे पहले खुजली होती है विश करने के लिए। अच्छा सबसे पहले मैंने विश किया ना तुम्हें? कैसी बात कर रहे हो वरुण, पिछले 3 साल से मेरे मम्मी पापा से पहले तुम ही तो विश कर रहे हो सबसे पहले। सच्ची मुच्ची में? हाँ हाँ गुड। थोड़े फोन आ रहे हैं, मुझे तो एक कुत्ते ने विश नहीं किया अभी तक। हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे अनंतिया। सबसे पहले सही से बताना, हमने विश किया ना तुम्हें? हाँ हाँ, किसी का कॉल नहीं आया पिछले 3 साल से, तुम ही तो हो जो मेरे को मेरे मम्मी पापा से पहले सबसे पहले विश कर रहे हो। पता क्यों? क्यों? क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। ओ, क्यों अरिजीत सिंह की पेट पे लात मार रहा है भाई? ओके बाय, हैप्पी बर्थडे। क्या घटिया दोस्तों को अटका के रखा हुआ है तुमने? एटलीस्ट मेरे को विश तो कर रहे हैं। हेलो ये मेरी आज हैप्पी बर्थडे टू यू। ड्यूड तेरा थूक यहाँ तक आ रहा है, रुक जा थम जा। अच्छा सबसे पहले मैंने ही विश किया ना तुम्हें पिछले 3 साल से मेरे मम्मी पापा से पहले सबसे पहले तू ही तो मेरे को विश कर रहे है। अच्छा हैप्पी देखा, सब लड़कों को ना मेरे पे क्रश है, सबसे पहले मेरे को विश करने की कोशिश करते हैं। तुमने फालतू लफंडा छोड़, मैं ना फैमिली ग्रुप पे देखती हूँ, मुझे विश किया होगा। ठीक है, ऐसे नानी के ग्रुप में तो विशेस भरी हुई है, दादी में तो एक भी नहीं आया। हाँ वही, नानी की फैमिली से सब भेजते हैं, दादी की फैमिली से कोई नहीं भेजता है, सबके सब सपोले हैं सपोले। हमारा टाइम आएगा ना तो हम भी विश करेंगे। जैसे कि उनको बड़ा फर्क पड़ रहा है आपकी विशिंग से। मैं नहीं बताऊंगी अपना बर्थडे रिलेटिव रिलेटिव्स के साथ,
बढ़िया थ्रिलर बर्थडे बनाऊंगी अपने दोस्तों के साथ। बस कुछ थ्रिलिंग हो जाए मेरे बर्थडे पे, कुछ मजेदार। यार टॉर्च तैयार है पर सेल नहीं है। अरे सेल डाल कर आया करना। क्या करने पर बनेगा तो? मुझे तो लगता है प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हो गई? कोई गड़बड़ नहीं होगी। उसने पिछले साल मेरे संग बहुत बुरा किया था, मुझे बदला चाहिए। आई तुम दोनों को पसंद है? अगर तुम दोनों से नहीं होता है तो ठीक है, मैं अकेला कर लूंगा। तू चिंता ना कर, तुझे हम तेरा बदला दिला कर रहेंगे। चलो कौन सी वाली है इसमें से? कौन है? यही वाली, यही वाली। हाथ बांध, इसके हाथ बांध। पिछले साल इसके हाथों से मारा था ना। अरे मेरा मुंह लोच दिए। ये पतंजलि चक्की का खाता है, जाट खाती है ये। चलो जाओ। उसके बहन आ रही है, जल्दी करो। काम करता है, इसी से नीचे दुकान लगा देते इसको। नीचे घास का ढेर है ना, वही फेंक देते हैं। हाँ फेंक दो। ये वो वाली चुप चुप जो तक लेके जा रही हूँ। मेरा बर्थडे आज, मैंने कोई गलती भी नहीं की है। निकालो निकालो। तू रहते क्या ना, तू रहते क्या ना यार। अगर मेरे को तू अच्छा नहीं लगता तो ऐसे करेगा यार, प्लीज छोड़ दे यार, प्लीज कॉमन हो। और अगर तेरे को शादी करनी है तो 18 साल की तो होने दे मेरे को, प्लीज मेरे को। चुपचाप बैठ जा। उस गाड़ी का पीछा करो, वो मेरी बहन को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। चलो भैया भैया भैया, नहीं नहीं एक मिनट। चलो उस गाड़ी का पीछा करना, मेरी बहनों के टेंपर का। शहर को सुबह सुबह हो गया क्या, भांग खा रखे क्या? वो गाड़ी लेके चला गया या खुद ही चला गया? मैं कहाँ जाऊँ और मेरी बहन कहाँ जाऊँ? भैया भैया, उस गाड़ी का पीछा करना, वो मेरी बहन को किडनैप करके ले गया। अकेले नहीं जाना है, मुझे लेके चलना है। कोई दुश्मनी तो नहीं थी? कीड़े खटमल के लेटे हमारी बहन के टैप हो रही है और तुझे अपनी जासूसी की पड़ी। आइए हम छोड़ देते हैं। अरे भैया आप तो देवता हो, चलो वो सेंटर हो। अच्छा आपका नंबर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अगर तुम मेरी बहन को लाते ना किडनैप करके तो तुम्हें कुछ मिल भी जाता है रिटर्न गिफ्ट उसके बर्थडे का, बट मम्मा तो मेरे लिए फूटी कौड़ी भी नहीं देंगी। यू जस्ट शट अप। ओहो इंग्लिश किडनैपर, आई नो आजकल जॉब नहीं मिल रही है यहाँ कहीं, बट बेरोजगारी में आपको ये सब किडनैपिंग करना पड़ रहा है। अनंत्या लगते तेरे जन्मदिन के दिन ही मरमदिन होने वाला है। पब्लिक है। ओ बेहरा खोरा, मेरे दोस्त हो गए, फिर बहन का बर्थडे मनाते हो?
हमें लगा ये बबली है तो हम तुझे उठाने के चक्कर में लगता हमने गलती से इसको उठा लिया। इस सब इसकी गलती है। पता आज मेरा भी बर्थडे है और तुम लोगों ने किडनैप करके सही किया। मेरे को थ्रिलिंग बर्थडे चाहिए था, किडनैप होके तो पुलकुल हो गया। अरे आज हम दोनों ढक्कन आज एक ही दिन पैदा हुए थे। तो लास्ट बची है कैंडल फूंक लो। हैप्पी बर्थडे टू यू। बट अब जैसे आप लोग हमें लेके आए थे वैसे हम लोगों को वापस भी छोड़ दो। अगर हमारे पहुंचने से पहले मम्मी पापा उठ गए ना तो फिर वो पूरा शहर छान लेंगे। चल चल चल। तेरे कितने अच्छे दोस्त हैं यार, तेरे को किडनैप करके लेके चले गए। मेरे को भी नए दोस्त चाहिए, मैं तेरे दोस्तों से दोस्ती कर रही हूं। कहां से आ रही हो तुम दोनों? अब माना तुम दोनों का आज बर्थडे है लेकिन कुछ काम धाम नहीं करोगी? बिस्तर तो अटली सही से लगा के जाती ना, कहाँ गई थी? मम्मा जॉगिंग के लिए गए थे। जॉगिंग? बड़ी ने पहनी है फैंसी चप्पल और छोटी की तो चप्पलें ही गायब है। अरे मम्मी तब से हम आ गए हैं सुबह से, आप बस क्वेश्चन पूछ रही हो। आपने हमें हैप्पी बर्थडे तो विश ही नहीं किया। हाँ, एक बार भी नहीं किया। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे बच्चों को। चलो जाओ अब तैयार हो जाओ। अरे मम्मी वो मेरे को सपना और रीत को ट्रीट देनी है, प्लीज 500 रुपए दे दो ना। मम्मी 500 मुझे भी। चलो मैं पर्स से निकाल के देती हूँ, तुम तैयार हो जाओ ठीक है। और इस बार ही कोई ज्यादा तामझाम नहीं फैलाना है, बहुत गर्मी हो रही है। जाओ इनको तो मैंने भेज दिया, अब रिचा को बुला लेती हूँ बाकी तैयारियों के लिए। आ गई बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू यार। तेरा सही है यार, तेरा जूनियर बर्थडे पड़ता है, स्कूल बंद होता है तुझे कम से कम टॉफियां तो नहीं बांटनी पड़ती। मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती टॉफी भर देते हैं। हाउ बोरिंग यार, अब हम बच्चे थोड़ी ना रह गए हैं। इसी बात को तू डर है यार, मेरे को नहीं बनाना है ये चाइल्डिश बर्थडे। मेरे घर पे पापा मम्मी रिलेटिव्स को बुला लेते हैं और फिर वो मेरे को 15 साल की नहीं 5 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा आंख बंद है करना, आई प्रॉमिस तेरे लिए बच्चों वाला कोई सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है यार। ये ले तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ जैसा तुझे चाहिए था। हाय ये क्या वही नेकलेस है जो मेरे को चाहिए था? हाँ यार ये तो वही है यार। पी थैंक यू, तू है मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ तू है, तू तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अरे पहन के तो दिखा, मैं पहनाती हूँ। तू क्या खाली हाथ आ गई? तेरे को कुछ खाने के लिए भी नहीं दूंगी मैं। मैं भी लेके आई हूँ। तो दे ना बुक्स। हाँ मैं वेकेशन में भी बुक पढ़ू ना। ये तो तू ऐसे मम्मी वाले गिफ्ट लाई हो और मेरे लिए गिफ्ट लाई है, मेरी बहन के लिए। तेरा बर्थडे इसलिए सुन रही हूँ ना, अपने घर में पापा की भी नहीं सुनती हूँ ठीक है ना। फिर मैं तो जा रही हूँ। हाँ तो फिर जा निकल। अरे यार तुम लोग लड़ना बंद करो, तुम गली के कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। तूने घर पे क्या मांगा? हाँ यार अभी तो कुछ नहीं मांगा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या मांगू। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, मैं ना ऋषिकेश कैंपेन के लिए जा रही हूँ, तू भी अपने मम्मी पापा से पूछ के मेरे साथ चल। बट यार मम्मी पापा मान जाएंगे? अरे बर्थडे के दिन तो अच्छे अच्छे मान जाते हैं। हाँ ये ठीक है, पेरेंट्स से दूर मैं अपना ये आगे का बर्थडे वीक सेलिब्रेट करूंगी अपने दोस्तों के साथ, बहुत मजा आएगा। अभी चलो तुम लोगों को कुछ खिला तो दूं, मजे तो कर ले। भैया हाँ इन ड्रिंक्स के साथ ना एक लार्ज पिज्जा चिकन वाला और एक वाइट पास्ता दे दो, अभी के इतना ही सही है बाकी। हाँ चल चलती हूँ यार, बाय। थैंक यू फॉर द नेकलेस, थैंक यू फॉर द बुक्स अपना, मैं अपनी बहन को दे दूंगी वो। कहाँ गई थी? बस ऐसे ही अपने दोस्तों को ट्रीट दे रही थी। और इतना अंधेरा क्यों है यार? सरप्राइज। जैसे मैं पता ही नहीं था कि सरप्राइज देने वाले हैं ये। हाँ हमें सच में नहीं पता था, बहुत अच्छा सरप्राइज है। चलो अब गिफ्ट खोलो। ये क्या डॉल हाउस? 2 साल पहले चाहिए था तब देते तो समझ भी आता, और मेरे को ये नहीं चाहिए झालर पार्टी बलून ये सब। चल ठीक है, बुआ का गिफ्ट तो तुझे पक्का पसंद आएगा। बुआ आप तो रहने ही दो, ये लो 5 साल पीछे गए, आप और 10 साल पीछे चले जाओ। अरे बेटा मैंने तेरा फेवरेट पाइनएप्पल केक भी मंगाया है। नहीं चाहिए ना मेरे को मम्मी।
तो तेरे को चाहिए क्या? जो मैं आपको कहूंगी आप नहीं दोगे मेरे को। अरे बोल के तो देख। मेरे को ऋषिकेश जाना है अपने दोस्तों के साथ एक कैंप में। अकेले? वो भी ऋषिकेश कैंप? भूल जा, सही कहा था, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। यहाँ गली तक जाने में तो मेरी जान सूखती है, और वहाँ अकेले, और वहाँ तो लड़के भी होंगे ना। हाँ मेरे को पता था आप नहीं जाने दोगी। मम्मा आप कुछ नहीं जाती, मेरे को आपका ना केक काटने बकवास था, ना केक मेरे को चॉकलेट केक अच्छा लगता है, मेरे को नहीं चाहिए आपका डॉल हाउस। जिसे कहीं काटना है काटे, नहीं काटना है नहीं काटे। बबली आ बेटा तू केक काट। चलो इसकी पैकिंग तो मैंने सारी कर ली है रिचा। गरम कपड़े भी डाल दो उसको। हाँ गरम कपड़े तो मैंने नीचे रख दिए हैं, अब बस इसको उठा के भेज देते हैं। अनंत्या? अरे अनंत्या बेटा उठ जा जल्द, उठ जा, बस आ गई है। मम्मी स्कूल ना खत्म हो गए हैं और छुट्टियां स्टार्ट हो गई है। अरे तुझे कैंपिंग के लिए नहीं जाना, तेरा बैग मैंने पैक कर दिया है। कैंपिंग? क्या मम्मी कल तो आपने मना कर दिया था। सोचा कि अपने टाइम पे हम तो जा नहीं पाए थे, तो आपको भेज के अपने विश पूरी कर लें। तुम ही नहीं गई होगी भाभी, हमारे पापा ने तो हमें हर जगह भेजा है और हमारी सारी विशेस पूरी करी है। हाँ तभी तो बड़ी उड़न छली हो रही हो। हमारे यहाँ ना सब कुछ मुंह पे बोलते हैं। चलो मैं तो चली ऋषिकेश, आप लोग अपना करते रहो। और आप नहीं जा रहे किसी कैंप वैंप में? मैं जा रही हूँ मिस्ट्री रूम अपने दोस्तों के साथ। अरे तो डॉल हाउस से ही खेल लो अपना जो आया है। वो तो खेलूंगी। मैं तो चली ऋषिकेश। बर्थडे वीक में दोस्तों के साथ हैंग आउट करना ज्यादा अच्छा है रेदर देन पेरेंट्स या रिलेटिव्स के साथ। अरे मैं मानती हूँ कि तुम लोगों के साथ ये बर्थडे वीक मनाने में बड़ा मजा आया और ये ऋषिकेश में भी बड़ा मजा आया, बट वो घर वाली फील भी अलग है यार। याद है जैसे हम जब छोटे थे तो भी मम्मी पापा सब कैसे प्लान करते थे, और मेरे को आज भी याद है कि वो लॉकडाउन वाला बर्थडे, और वो बर्थडे जिसमें ऐड किया था कि वो सब भूल गए हैं, वो भी सही बर्थडे थे यार। पर फिर भी मैं कहूँगी ऋषिकेश में कैंपिंग करके आ, बड़ा मजा रहा है ना तुम लोगों के साथ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। और हाँ आप लोगों को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना कैसा लगता है, पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करके, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और बताना कि आपका बर्थडे चला गया और आपने कैसे बनाया या आने वाला है और आप कैसे कर रहे हो प्लान, क्योंकि जो मेरा आने वाला है, मैं एक्चुअली में ऋषिकेश कैंपिंग जा रही हूँ कैंप में अपनी दोस्त सांगी के साथ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये सब मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा तो ज़रूर करना, ठीक है? और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।